इसी प्रॉपर्टी नंबर 4 पर बेस्ड जो हमने आज का अगला क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर भी दो कैटेगरी है। दोनों के दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बनाने का प्रोसेस, बनाने का मेथड दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। मैं सिर्फ इसको बनाऊंगा, इसे आप खुद बनाएंगे। लिमिट दे रखा है 0 से 1 एक्स ब्रैकेट में 1 - x की पावर n dx। और सेकंड क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है हम 0 से 2 एक्स √2 - x dx। दोनों क्वेश्चन बनाने का मेथड बिल्कुल सेम है, हर एक स्टेप सेम होगा दोनों का। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन है उसे हमने आइलेट कर लिया, 0 से 1 एक्स 1 - x की पावर n dx। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज कर रहे हैं, यानी किंग्स रूल यूज कर रहे हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 4? प्रॉपर्टी नंबर 4 हमें ये कहता है कि हम अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स नज़र आएगा उस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। हमने उस प्रॉपर्टी को यूज किया। एक्स देखिए आपको दो जगह नज़र आ रहा है, इन दोनों जगह एक्स की जगह पर आप लिखने वाले हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस का एक्स। इसे अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1 - x, और जरा इसको ब्रैकेट ओपन करके सोचिए, ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो 1 - 1 + x आएगा, होल पावर n है ये। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा x की पावर n। अब इस x की पावर n को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर देखिए 1 - x की पावर n है, जब तक आप इस ब्रैकेट को एक्सपेंड नहीं कर लेते तब तक इस बाहर वाले टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर पावर जो है इस सिंगल पर है, इस ब्रैकेट पर कोई भी पावर नहीं है, तो ये x की पावर n का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ हो सकता है। यहाँ पर और यहाँ पर में बस बेसिक सा फर्क यही है कि जब तक आप इसे 1 - x की पावर n को एक्सपेंड नहीं कर लेते तब तक इस x का मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते। यहाँ पर x की पावर n को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n का 1 के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो x की पावर n आएगा, और इसका जब इसके साथ होगा, दोनों का देखिए बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगा तो x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। अब करना आपने कुछ नहीं है, बस इसे इंटीग्रेट कर देना है। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x की पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1, और लिमिट जो है 1 से 0 है। ये हमारा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वैसे का वैसे ही, ये हमारा बन जाएगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। अब बारी आती है लिमिट को पुट करने की, तो लिमिट पुट करते समय ध्यान रखिए कि ये लिमिट जो है आप x की जगह पुट करने वाले हैं, n की जगह मत पुट करिएगा। ये जो वैल्यूज हैं वो x की है, x आपको यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है, तो पहली बार में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने यहाँ पर एक ही साथ में इसमें पहले अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट कर दिया। माइनस का साइन यहाँ पर और इस फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट कर दिया। 1 की पावर को कुछ भी करेंगे रहेगा वो 1 ही, अपॉन n प्लस 1 ये तो 0 की पावर है तो 0 रहेगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो गया तो इसका तो कोई मतलब नहीं बचा। माइनस फिर से यहाँ देखिए 1 की पावर n प्लस 2 है तो 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए रहेगा वो 1 अपॉन का n प्लस 2, बाकी ये हिस्सा तो 0 में चला गया। अब इसे आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे तो n प्लस 2 माइनस, माइनस के बाद अगर आप कुछ भी लिखने वाले हो ना ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा। ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, माइनस n और ये n कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 बचेगा,
अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। यही है इसका फाइनल आंसर। पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी नंबर फोर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सब जो क्वेश्चंस देखने को दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर का यूज करके आप बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपको पहले से पता है कि इन सारे क्वेश्चंस में आप प्रॉपर्टी नंबर फोर को यूज करेंगे। सही ढंग से आप प्रॉपर्टी नंबर फोर को यूज करिए। प्रॉपर्टी नंबर फोर को यूज करके देखिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कितने इजीली, कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाते हैं।